ಪ್ರಿಯ ರೂಪ ಫಿರಹುವನ ವೀರ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ್, ಆಪ್ ಕೌನ್ ಹೇ? ಗೋರ್ಣ ವರ್ಣ ಸ್ವರೂಪಧಾರಿ, ಕಿಸ್ ಕಾರಣ ಸೇ ಆಪ್ ವನ ಮೇ ವಿಚರಣ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ? ತಬ ರಾಮ್ ಜೀ ನೇ ಅಪನೆ ಮಾನವ ದೇಹ ಕಾ ಪರಿಚಯ ದೇತೆ ಹುವೆ ಕಹಾ ಕಿ ಹಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ದಶರಥ ಕೆ ಪುತ್ರ ಹೇ, ಯೇ ಹಮಾರೆ ಲಘು ಭ್ರಾತಾ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೀ ಹೇ. ಔರ್ ಜೈಸೆ ಹಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇತನಾ ಸುನಾ ಹೇ, ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಹುವಾ, ಹನುಮಾನ್ ಜೀ ಪಹಚಾನ್ ಗಯೇ, ಔರ್ ಯೇ ಕಥಾ ಕೋ ಪಾರ್ವತಿ ಜೀ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಸುನಾ ರಹೇ ಹೇ, ತೋ ಭಗವಾನ್ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ. ಲಖನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜಯ. ಹಮಾರೆ ಬೀಚ್ ಪರಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಚಾರ್ಯ ನೀರಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾ ಪಾದಾರ್ಪಣ ಹುವಾ. ಆಪ್ ಸಭಿ ಕಥಾ ಪ್ರೇಮಿ ಬಂಧು, ಮಹಾರಾಜ್ ಶ್ರೀ ಕಾ ಕರ್ತಲ್ ಧ್ವನಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಬಂದನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರೆ. ಸಾಥಿ आयोजक परिवार की ओर से महाराज श्री का स्वागत वंदन अभिनंदन. साथ ही यजमान जी को हम मंच में शीघ्र अतिशीघ्र आमंत्रित करेंगे. महाराज श्री का सुंदर स्वागत. ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಮಲಾಟಪಟಲೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಲೆ ಕೌಸ್ತುಭಂ ನಾಶಾಗ್ರೇ ವರಮೌಕ್ತಿಕಂ ಕರತಲೆ ವೇಣುಕರೆ ಕಂಕಣಂ ಸರ್ವಾಂಗೇ ಹರಿಚಂದನಂ ಸುಲಲಿತಂ ಕಂಠೇ ಚ ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀ ಪರವೇಷ್ಟಿತೋ ವಿಜಯತೆ ಗೋಪಾಲ ಚೂಡಾಮಣಿ. ನಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ಜಗದ್ಧಿದಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಯಜಮಾನ್ ಪರಿವಾರ ಸಭಿ ಲೋಕ ಕ್ರಮಶಃ ಆಗರ ಮಹಾರಾಜ್ ಶ್ರೀ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರೆ. महाराज श्री को इस नागपुर की पावन धारा में एक नहीं अपितु अनेकों सुंदर ऐसे आयोजनों में सुना है और सराहा है. आपके इसी स्नेह का भाव रखते हुए आज महाराज श्री अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच पधारे.
साथ ही बड़ा सुखद आनंद प्रदान करने वाली एक आप सबको सूचना। पिछले वर्ष की भांति देवी जी एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज की पावन सान्निध्यता में पिछले वर्ष व्रत 84 कोस की सुंदर यात्रा अपने नागपुर से श्री धाम वृंदावन मथुरा की आप लोगों ने, यहाँ कई लोग ऐसे उपस्थित हैं जो उस सुंदर यात्रा में सम्मिलित हुए और बड़ा ही आनंद प्राप्त किए। कुछ इसी व्यवस्था के तहत श्री राधा रानी सेवा परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में देवी जी एवं महाराज जी की पावन सान्निध्यता में इस बार चित्रकूट दर्शन यात्रा का भव्य आयोजन दिनांक 11 नवंबर 2019 से 13 नवंबर तक 11, 12 और 13 तीन दिवसीय इस पावन यात्रा में आप सभी उपस्थित भक्तवृंद इस पावन यात्रा हेतु सादर आमंत्रित हैं। इस पावन यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आप अपना नाम हमारे पास पंजीयन करा सकते हैं। उस पावन यात्रा में आप सभी का जो सहयोग राशि ली जाती है उसमें मात्र 6,101 रुपए की राशि तीन दिवसीय इस भव्य आयोजन में आप सबका सहयोग लिया जा रहा है। आप इस पावन और सुखद यात्रा का आनंद लेने हेतु आप सभी अवश्य जुड़ें, अपना नाम अंकित कराएं। हमारे पास कुछ नाम जुड़े हैं, उन पावन नामों की घोषणा कुछ समय अभाव के कारण आज ना करते हुए कल हम आपके सामने करेंगे। साथ ही परम श्रद्धेय आचार्य जी के पावन अमृत वाणी में आप कुछ भक्तों के आग्रह पर नागपुर की इसी पावन धरा नंदनवन श्री श्याम धाम मंदिर में पितृ मोक्ष पितृ शांति के लिए, क्योंकि यह सुंदर ऐसा भव्य दिव्य आयोजन हर व्यक्ति की इतनी समर्थता नहीं होती जो इस आयोजन को सफल बना सके। चाहे हर व्यक्ति की होती है कि हम भी ऐसा आयोजन करें, जो पितरों के निमित्त ऐसा सुंदर दिव्य आयोजन करना चाहते हैं इस आयोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं। दिनांक अगले ही माह में 21 सितंबर 2019 से 27 सितंबर 2019 तक यह श्यामधाम नंदनवन में सुंदर सप्त दिवसीय भव्य आयोजन रखा गया है। जो भी यजमान पोथी के यजमान बनना चाहें, एक पोथी के यजमान की राशि मात्र 11,101 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है, तो आप इस पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ में अवश्य ही सम्मिलित हों, क्योंकि आज जो भी हमको प्राप्त हुआ है या जो भी हमको आगे भी प्राप्त होता है ये कहीं ना कहीं हमारे पितरों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। तो कोई भी पितर हमसे असंतुष्ट ना हो, क्योंकि उनकी ही कृपा से हमारा जीवन धन्य और सफल होता है। तो उन सब पितरों की प्रसन्नता हेतु आप इस पावन आयोजन दिनांक 21 से 27 सितंबर श्याम धाम नंदनवन इस पावन आयोजन में अपना हमारे पास नाम अंकित करा करके उस आयोजन के यजमान पोथी के यजमान
बनने का आप सौभाग्य प्राप्त करें। आइए, समय का बड़ा ही अभाव है, तो हम महाराज श्री से यजमान जी की ओर से आग्रह करेंगे कि कुछ अपने आशीर्वचन दे करके आयोजक परिवार को अनुग्रहित करें और सुंदर आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राधे। श्रद्धे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राम लला सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय कोटिशूर्यसम प्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा, पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चरा तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी मात है, पिता मेरु घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। जाकी सेवा भावते मुग्ध भय श्री राम, ऐसे भक्त हनुमान को शत बारंबार प्रणाम, शत बारंबार प्रणाम, शत बारंबार प्रणाम। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण कारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। जगदाम्बा पराम्बा जगत जननी माता भगवती रानी सती के चरणों में कोटि कोटि नमन। कण कण में विराजमान हम और आप सभी के आराध्य बाबा श्याम के चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा के परम रसिक, परम संत, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन।
स्थान देवता वास्तु देवता आवाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जन संगीताचार्यजन आप सभी के हृदय पटल पर विराजमान मेरे राधा गोविंद के चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा श्रवण करने आए हैं तो दूर दराज से यत्र तत्र से समस्त भक्तगण सती स्वरूपा माताएं बहने आप सभी के हृदय पटल पर विराजमान मेरी राधा गोविंद के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपनी ओजस्वी वाणी से आप सभी के जीवन को कृतार्थ कर रही हैं ऐसे बाल विदुषी देवी भुवनेश्वरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी के मंगलमय जीवन को अपने इस प्रवचनामृत से सिंचित कर रहे हैं और आपके जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुगुपानी। मैं यत्र तत्र इस स्थान पे जिससे भी परिचित नहीं हूँ आप सभी को इस मंच से बैठ करके आप सभी को नमन करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सभी इस सुंदर स्थान पर बैठ करके भगवान राघवेंद्र सरकार के सुंदर चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। सुंदर सा नाम है रामचरितमानस। पहले भैया इस रामचरितमानस को सुनने के लिए इस मन को पवित्र करना पड़ेगा। जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा तब इस मन से भगवान के चरित्र को सुन सकते हैं, भगवान के चरित्र को श्रवण कर सकते हैं। सीधी सी बात है, एक उदाहरण देता हूं आपको कि एक कागज है और उसमें पहले से ही किसी लेखक ने अपनी लेखनी के माध्यम से उस कागज को भर दिया हो लिख करके, तो उस भरे हुए कागज में फिर क्या लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि पहले से वो भरा हुआ है। वैसे ही ये जो मन है अगर काम क्रोध मोह लोभ से भरा रहेगा तो राम कहां से आएंगे? काम क्रोध मोह लोभ से हमें दूर करना पड़ेगा, इस मन को धवल करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा, तब इस कोरे मन में राघवेंद्र सरकार अपने परिकर के साथ विराजमान होंगे। अभी आपने आचार्य जी के माध्यम से श्रवण किया है कि 3 दिवसीय चित्रकूट दर्शन यात्रा है। हमारे यात्रा करने का उद्देश्य कुछ और नहीं होता है, हमारे यात्रा करने का उद्देश्य सिर्फ एक है, व्यक्ति मात्र को, जीव मात्र को, भक्त मात्र को उन भगवान की लीलाओं स्थली का ज्ञान हो, बोध हो, उनको देखें समझें। कोई व्यक्ति अकेले नहीं जाना चाहता है, लेकिन जब भीड़ साथ में चलती है तो हर व्यक्ति चलने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत से लोगों से पता चलता है, भैया हमसे प्रश्न करते, बोले महाराज जी चित्रकूट है कहाँ? तो भैया जो यह प्रश्न करते हैं तो वहीं से आकलन कर लेना चाहिए कि जिसने चित्रकूट नहीं जाना तो उसने राम को भी नहीं जाना, क्योंकि जिसने राम को पहचान लिया होगा, जिसने राम के चरित्र को श्रवण कर लिया होगा तो वो चित्रकूट को जानता होगा। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तपसियों का भेष बना करके भगवान राघवेंद्र सरकार उस चित्रकूट की तपोभूमि पर तप कर रहे हैं। कोई अपनी अवधि को समाप्त करने के लिए नहीं रुके चित्रकूट पे,
चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां जाकर के एक शांति का अनुभव होता है। इस पूरे रामचरितमानस के अंतर्गत एक मुख्य पात्र है भरत। भरत विचार किया कि मेरे राम भैया जा चुके हैं, मंत्रियों में, सैनिकों में, राजाओं में योजना बन रही है कि इस राजगद्दी का, इस राज्य का सिंहासन भरत को सौंप दिया जाए। लेकिन भरत जी के मन में एक ही लक्ष्य है, एक ही भाव है कि इस सिंहासन पर मेरा अधिकार नहीं, मेरे बड़े भैया राम का है। वही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे इष्ट हैं, किसी की बात को नहीं मानते हैं। मन बना लिया, अरे कोई राजा बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन यह भरत अपने भैया को राजा जरूर बनाएगा और सिंहासन पर बैठते हुए देखेगा। तैयारियां कर ली, समस्त तीर्थों का जल ले लिया, चल पड़े कि भैया को बुलाने के लिए। कहां? चित्रकूट की ओर। मार्ग में ही प्रयागराज पड़ता है, सुंदर गंगा में स्नान किया और स्नान करते हुए उनकी भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के गंगा जी प्रकट हो गई। जब गंगा जी प्रकट हुई तो कहा, भरत अरे मैंने योगी तो बहुत देखे पर तेरे जैसा योगी पहली बार देखा है, तेरे जैसा ज्ञानी पहली बार देखा है, मांग तुम्हें क्या चाहिए, मांग लो भरत। तब भरत जी ने एक ही वरदान मांगा, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई धर्म भी नहीं चाहिए, मुझे कोई काम भी नहीं चाहिए, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, ना तो मेरे अंदर कोई रुचि है, क्या चाहिए? अर्थ न धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानुनयान। मुझे अगर देना है तो हे भगवती गंगा एक ही वरदान दे दो कि यह मेरी मति, यह मेरी बुद्धि, यह मेरी रति भगवान के चरणों में लग जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर मांगूं तुझे पर तुम न कुछ देना मुझे, वरना सिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। एक भक्त भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, यह भक्त आपसे अगर मांगने की गलती कर दे तो पर आप देने की गलती मत करना, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध कहां तक है? भक्ति तक। अगर इसमें मन से, इस वाणी से अगर कुछ मांगना चाहूं आप देने की गलती मत करना, क्योंकि अगर जो मैं कुछ मांगता हूं कि मैंने, हे प्रभु आपकी भक्ति की है, आपकी मैंने कथा सुनी है, आपकी मैंने सेवा की है और मैंने कह दिया कि मुझे सांसारिक धन दे दो, सांसारिक सुख दे दो, सांसारिक वैभव दे दो, तो मेरी भक्ति का मूल्य क्या रह जाएगा? ये मांगने का सौदा तो सेठ साहूकारों में होता है, भक्त और भगवान में नहीं होता है भैया। इसलिए मांगना नहीं चाहिए, भगवान से अगर कुछ मांगना है तो भगवान की भक्ति मांगिए। आइए दो मिनट अपने मन और वाणी को पवित्र करें। एक सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकल...
करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जो जीव यह समझता होगा कि भैया हमें संसार में ही रह जाना है, तो यह व्यर्थ है, क्योंकि संसार की हर वस्तु नाशवान है, सबको जाना है। एक फूल भी जब अंकुरित होता है और खिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो सब शाम हो जाती है वो भी मुरझा जाता है। भोजन ताजा बनता है लेकिन शाम को देखो वो भी बासी हो जाता है। तो इस जीवन को, इस शरीर को भी जाना है, सिर्फ जाएगी तो इस शरीर से निकल करके आत्मा। तो भक्त भाव दे रहा है, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मनो मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। करके याद आया तो एक दिमाग में एक शायरी आ गई। बोलने को दी जुबा मगर तुम बोलते नहीं, लेने को हरनाम मुख को खोलते नहीं। आज का ना बोलना तुम्हें उस दिन याद आएगा, बोलना तो चाहोगे पर बोल नहीं पाएगा। कमरे को तू क्या संभाले, ये कौन सा कमरा है चमड़े का? कहीं आप किराए से किराएदार के यहाँ, किसी मालिक के यहाँ किराएदार बन करके जाएं, तो क्या किसी के घर पे आपका जोर चलता है? जो मकान मालिक होता है पहले कह देता, भैया किराए के लिए तुम्हें कमरा दिया गया है, खिली उली ठोक करके उसको खराब मत करना, सिर्फ तुम्हें रहने के लिए दे रहा हूँ, और ज़्यादा ऊट पटांग करोगे तो कल को निकाल कल के बाहर कर दूंगा। तो भगवान ने भी एक कमरा दिया है, यह जो चमड़े का कमरा है ना, तो उस आत्मा को रहने के लिए चमड़े का कमरा दिया गया है। तो भाव क्या है, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक, जिस
जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, आया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। सोचिए आप लोग इस भजन के माध्यम से, सोचिए कि क्या ये शब्द तो सही है, और ताली सेवा भी करते जाइए। हरि बोल। नोटिस जब एक बार मिल जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, और छूटने के लिए लगता भी क्या है ये, अगर आपके पास ये नहीं तो सीधे जेल जाओगे। तो भक्त ने कहा है, पल्ले में कर कुछ अमानत न होगी, पल्ले में कर कुछ अमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में कर कुछ अमानत न होगी, पल्ले में कर कुछ अमानत न होगी, फिर हो के कैद तुझे चलना पड़ेगा, फिर हो के कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग हाथ उठाए, इस तरफ के भी पीछे भी, आप लोग भी, सब लोग हाथ उठाइए, सभी लोग उठाए, ताली सेवा करते हैं। आई वो समझाना उत्तरदायित्व है,
सच्चा रास्ता दिखाना हम लोगों का कर्तव्य है। हमारी नहीं मानोगे तो आगे यमराज की तो मानोगे, मानना पड़ेगा। मेरी न मानो यमराज को मनाएंगे, मेरी न मानो यमराज को मनाएंगे, तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएंगे, तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएंगे, तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएंगे, तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएंगे। घोर नरक बीच और नरक में आप जब जाएंगे तो ये भी एक प्रकार से नरक है, जब यहाँ से यमराज लेकर के जाते हैं तो ऊपर भी नरक है। घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना 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 पड़ेगा। इसलिए एक सीधी बात है कि देखने में लगता है खस्ता हाल है हम, देखने में लगता है खस्ता हाल है हम, जो जहन में ना आए वो ख्याल है हम, पर गरीब मत ना मत समझना है दुनिया वालों, क्योंकि उसकी इश्क की दौलत से माला माल है हम। हरि बोल। सच्ची बात है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदुवान तक, जिसको हम अपना मान करके बैठे। अब देखिए यहां पे, साथी है मित्र गंग के जल बिंदुवान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके बाद आगे तो है साथी कौन, सिर्फ एकमात्र ठाकुर जी का नाम। आगे तो साथी भजन राम का, आगे तो साथी भजन राम का, ये है जीवन दो दिन 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 का। इसलिए रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर कुटी खाली करना पड़ेगा, काया 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 कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये बात जवानी में समझ में नहीं आती है, ये बात बुढ़ापे में समझ में आती है, जब वास्तविकता कोई साथ देने वाला नहीं होता है। अभी भी युवा पीढ़ी को कह दिया जाए कि भैया बैठ करके थोड़ी कथा में ताली बजा लो, उनको संकोच लगता है। अगल बगल वाले पड़ोसी में क्या कहेंगे, देखो इतनी
अच्छे घर की हैं, अच्छे परिवार के लोग बैठ कर के कीर्तन में ताली बजाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, भैया सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। जब कथा में आप बैठ जाओ, नाचने लग जाओ, झूमने लग जाओ, कथा को सुन करके रोने लग जाओ, तब दुनिया वाले आपको पागल कहेंगे। ये पागल हो गया है, इसकी बुद्धि खराब है, दिमाग काम नहीं करता आजकल इसका, दिन भर बैठे रोता रोता रहता है। तो उनके लिए एक सुंदर सा एक शेर है, क्या है? पागलों के पेड़ पर पागलों के लच्छे हैं। जिसको पागल जो जगत में संसार में जो व्यक्ति पागल कह रहा है, जिसको वह पागल उस व्यक्ति से जवाब दे करके कहे कि भैया पागलों के पेड़ पर पागलों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हम पागल ही ठीक हैं। और वास्तविकता भगवान की भक्ति सार्थक तभी है, आप तभी मानिए कि हमारी भक्ति सार्थक है, जब कोई दुनिया वाले आपको पागल कहने लग जाएं, संसार वाले जब आपको पागल कहने लग जाएं, तब समझिए कि है वास्तविकता हमारी भक्ति। अरे भैया संसार वालों के नजरों में तो वह पागल है, लेकिन ठाकुर जी के नजरों में तो वो एक अच्छा भक्त है। कथा को सुनने वाला कौन होता है? रसिया। लेकिन भैया रसिया है कौन, ये भी बताया गया है। राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनने वाला रसिया तो है, लेकिन रसिया कब बन पाएगा? तो राम कथा सुनबे को रसिया, जब राम लखन सीता मन बसिया, उसके मन में जब राम लखन सीता जानकी विराजमान हो जाएंगी, तब वो सच्चा रसिया है। राम कथा भागवत कथा के अंतर्गत भी आप सुनते हैं, पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुकाः। रसिका किसको कहा गया है? जो भगवान की कथा को सुनता हो। तो कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि एक बार राम कथा सुन ली फिर इसके बाद कहने लग जाओ भैया वही राम कथा है, हमने तो कई बार सुन रखी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भगवान की कथा को जिसने जाना नहीं, भगवान की कथा को जिसने पहचाना नहीं, वो तो वास्तविकता इस संसार में अपना समय बिताने के लिए आया है। तो आप सभी से यही एक निवेदन है, मैं पहले भी कथाओं में आप सभी से निवेदन करता रहता हूँ, श्याम धाम नंदनवन में, श्याम धाम मंदिर में भी प्रोग्राम होते रहते हैं और हुए भी हैं, आप लोगों ने श्रवण किए भी हैं, माता भगवती रानी सती के चरणों में भी बैठ करके मैंने कथा की है। और जो आज भक्त परिवार यहाँ इस कथा का आयोजन कर रहे हैं या उन लोगों ने किया है और उनके माध्यम से आप कथा सुन रहे हैं, इन्हीं भक्त परिवार ने मेरी कथा रानी सती मंदिर में करवाई थी और मैंने की थी वो अधिक मास के पावन पर्व पर, और ये भी भादो मास के पावन पर्व पर ही है। तो भैया ये भक्त परिवार जब आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि भाव से अधिक संख्या में बैठ करके कथा श्रवण करें। किसी व्यक्ति विशेष के अंदर भाव तो है कथा कराने का, लेकिन धन नहीं है, और धन ना होने के कारण वो कथा भी नहीं करा पाते। तो ठाकुर जी ने इतना सुंदर सुनहरा समय दिया है
अवसर दिया है तो भैया इस अवसर को व्यर्थ मत गवाइए। आयोजक अग्रवाल परिवार वास्तविकता धर्म कार्यों में काफ़ी आगे हैं और सदैव मैं तो यही मेरा ऐसा भाव है कि सदैव इसी प्रकार आगे रहें और इसी प्रकार सुंदर सुंदर आयोजन करते रहें, कराते रहें, अपने माध्यम से सभी को श्रवण कराते रहें, अपने जीवन को भी मंगलमय बनाते रहें, दूसरों के जीवन को भी मंगलमय बनाते रहें। और ठाकुर जी से तो ऐसी कामना करता हूँ कि इस भक्त परिवार पर सदैव अपनी कृपा बना करके रखें, इनके जीवन में कभी भी दुख ना आवे, कभी भी तकलीफ ना आवे, सदैव इसी प्रकार जैसे मुस्कुराते रहते हैं वैसे मुस्कुराते रहें और इसी तरह भक्ति भाव से इस सुंदर धर्म मार्ग पर लगे रहें। ठाकुर जी से ऐसी ही प्रार्थना है। यात्रा की सूचना आप सभी को मिल चुकी है। चित्रकूट में कई सुंदर सुंदर स्थान हैं। भरतकूप, जब भरत जी भगवान राघवेंद्र सरकार को मनाने के लिए गए थे तो मन में विचार किया था कि मैं समस्त तीर्थों का जल लेकर के आऊँगा और राम जी मेरे भैया मेरी बात को टालेंगे नहीं, मेरे साथ ही आएंगे। बहुत समझाया जा करके बहुत कहा लेकिन राघवेंद्र सरकार ने कहा, भरत तुम जानते हो कि मैं वचन दे चुका हूँ और रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए तुमसे निवेदन है कि तुम जाओ और जाकर के राज्य को संभालो। मैं 14 वर्ष व्यतीत करके वनवास से पुनः आऊँगा, फिर भले ही उस राज्य को स्वीकार कर लूँगा परंतु मैं अभी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। उसी समय समस्त तीर्थों का जल जो ले रखे थे भरत जी, वहीं चित्रकूट में ही एक कूप में डाल दिया और उस कूप का नाम पड़ा भरत कूप। और वास्तविकता उस जगह बहुत सूखा अकाल पड़ गया। जितने बड़े बड़े कुएं कूप हैं सबका स्रोत बंद हो गया, खाली पड़े थे, लेकिन उस कूप की ऐसी महिमा कि आज तक उस कूप का जल कम नहीं हुआ और उसकी गहराई का भी आज तक पता नहीं चला। सदैव ठंडा और शीतल मधुर जल रहता है। उस कूप में जो स्नान करता है उसके समस्त रोग दूर हो जाते हैं, परम शांति मिलती है। और वहीं पर भगवान राघवेंद्र सरकार से भरत जी का मिलन हुआ था। सुंदर स्थान है वो। रामसैया है जहाँ पर राघवेंद्र सरकार शयन करते थे, आज भी वो चिन्ह बने हुए हैं। और सन्मुख होकर के लक्ष्मण पहाड़ी है जहाँ लखनलाल जी बैठ करके वहाँ से पहरा देते थे। गुप्त गोदावरी सुंदर स्थान है, एक नदी के रूप में जानी जाती हैं, सुंदर स्थान है। जैसे एक गुफा होती है, गुफा के ही सरीखे बना हुआ है वो स्थान और उसमें वो नदी है। जानकारों का ऐसा जानना है कि वहाँ पर भगवती सीता स्नान करती थी और उस स्थान से उस पहाड़ पर, पहाड़ के ऊंचे पर्वत पर यह सुंदर नदी है, उस स्थान से वहीं से उस नदी का उद्गम भी हुआ है और वहीं से समटी भी है। वैज्ञानिकों ने खूब खोज किया है भैया ये कहाँ से इसका उद्गम है और ये कहाँ तक फैली है, फिर दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन उस गुफा में ही वह नदी का आपको दर्शन होगा। जैसे आप देखते हैं मुलताई में आप माँ ताप्ती हैं, जैसे उद्गम उनका हुआ है। आगे वहाँ पर चित्रकूट में एक और सुंदर स्थान है हनुमान धारा। जानकारों का ऐसा जानना है कि जब हनुमान जी महाराज लंका दहन करके गए तो उस ताप से, उस अग्नि से उनका शरीर जल रहा था, जल रहा था। भगवान के चरणों में निवेदन किया, उसी समय वहाँ पर एक गंगा प्रकट हुई और गंगा की धार प्रकट हुई, उस धार में हनुमान जी स्नान किए और जब स्नान करते हैं तो उनका ताप समाप्त हो गया और गंगा के स्पर्श से अपने आप को शीतल महसूस करने लगे। उस स्थान को हम हनुमान धारा के नाम से जानते हैं।
गुप्त गोदावरी नदी है सुंदर, जो उस नदी पर स्नान करता है मंगल ही मंगल, समस्त रोग दूर होते हैं। और मुख्य रूप से जो है कामदगिरी पर्वत, जब भगवान 12 वर्ष कुछ दिन की अवधि समाप्त करके आगे जाने लगे तो उस कामतानाथ जो कामदगिरी पर्वत है वहीं पर रहते थे भगवान। और स्वाभाविक सी बात है कि जो 12 वर्ष कुछ दिन तक जो वहां पर विश्राम करेंगे रहेंगे तो एक लगाव तो उस स्थान से हो ही जाता है। तो वह कामदगिरी पर्वत रोने लगा, प्रभु आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगा, मुझे अपना कुछ आशीर्वाद प्रदान करते जाइए। तब राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी उपाधि देता हूं और सदैव मैं तुम्हारी छत्र छाया पर ही विराजमान रहूंगा। आज से मैं तुम्हारा नाम कामतानाथ रखता हूं, कामदगिरी रखता हूं। आज के बाद जो भी तुम्हारा दर्शन मात्र करेगा उसके समस्त पाप दूर हो जाएंगे। इसीलिए रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, कामदगिरी भे राम प्रसादा अवलोकत अब हरत विसादा। सप्तकोशी परिक्रमा को जो करता है और कामदगिरी पर्वत का जो दर्शन करता है उसके अवलोकन मास से ही समस्त दुख दूर हो जाते हैं, ऐसी कामतानाथ स्वामी की ऐसी महिमा। बोले कामतानाथ भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की। चित्रकूट की यात्रा करते हुए भगवान रामटेक से यहाँ से होते हुए पंचवटी नासिक से होते हुए भगवान अपने गंतव्य की ओर गए। इस प्रकार से आप राम कथा में श्रवण ही कर रहे हैं तो मेरे कहने का यही भाव है भैया कि कुछ समय मिला है तो व्यर्थ मत गवाइए, भाव से प्रेम से बैठ करके कथा सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। एक भाव के माध्यम से अपनी वाणी को विराम करूंगा। इस बार सभी लोग प्रेम से, कंजूसी किसी की नहीं चलेगी, सभी लोग ताली सेवा करते हुए और भाव से प्रेम से मस्ती में झूमेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा राधा राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। छोड़े अटारी
हटा जग के हमो को कुटिया ब्रज माही बना ले हमको कुटिया ब्रज माही बना ले हमको कुटिया ब्रज माही बना ले हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा से राधा से राधा सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय सीताराम। अपनी वाणी को यहीं विराम, आप सभी आगे की कथा को श्रवण करें और आगे जो भी सूचनाएं होंगे हम सब श्रवण करेंगे। अपनी वाणी को यहीं विराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर और पावन मधुर वाणी से भी अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से मंगलमयी कथाओं का प्रवचन का आनंद लिया। आइए पुनः कुछ क्षण के लिए प्रभु की कथा में प्रवेश करें, जहाँ भगवान ने वर्णन किया है कि प्रभु पहचानी पर उगाई चरना सो सुख हुआ जाए नहीं मरना चरणों में गिर पड़े। वो सुख का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। भोले बाबा सो सुखो मां जाए नहीं वरना। यहां भगवान श्री हनुमान जी ने श्री राम जी की मित्रता सुग्रीव जी से कराई है। सुग्रीव जी ने मां जानकी के उन पट आभूषणों को लाकर के भगवान को दिया कि हम ही दी देखी दीने पट डारी। लक्ष्मण जी को प्रभु ने आभूषण बताए, गले के कंठ के मुख के हाथ के जितने आभूषण थे लक्ष्मण जी ने नहीं पहचान पाए, लेकिन जैसे ही माँ जानकी के चरणों की उन नूपुरों को देखा है पहचान गए कि ये माँ जानकी जी के हैं। वहाँ प्रभु ने सुग्रीव जी से मित्रता की है और पूरी कथा बताई के बाली के कारण प्रभु मैं यहाँ रहता हूँ। भगवान ने कहा अब तुम चिंता मत करो, यहाँ मेरे प्रभु ने बाली का उद्धार किया। और जैसे ही सुग्रीव को वह पद मिला वह सिंहासन मिला तो वह वैभव में खो गए और जो जानकी जी की खोज करना था उसे भूल गए। लक्ष्मण जी ने जागृति करवाई है, सुग्रीव को जागृति हुई और माँ जानकी की खोज करने के लिए एक सुंदर योजना बनाई है।
पूरा समूह एकत्रित हुआ और सब माँ जानकी की खोज करने के लिए जाने लगे। सब ने एक एक करके आके राम जी के चरणों में प्रणाम किया। अंत में श्री हनुमान जी आए और हनुमान जी को देखकर राम जी समझ गए कि जानकी की खोज केवल हनुमान ही कर सकता है। भगवान ने अपनी मुद्रिका दी है और हनुमान जी उस मुद्रिका को लेकर आज प्रभु का कार्य करने के लिए चले हैं। इधर जामवंत जी ने हनुमान जी को अपना बल याद कराया है और जैसे ही हनुमान जी को अपने बल की याद आई है महाराज, तो यहाँ आइए सुंदरकांड में प्रवेश हुआ। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने हनुमान जी को अपने बल की याद दिलाई और कहा कि तुम्हारा अवतार तुम्हारा जन्म तो केवल भगवान के कार्य के लिए हुआ है, इसलिए हनुमान जी अपने बल को याद करते हुए वहाँ भगवत कार्य के लिए चले हैं। महाराज मैनाक पर्वत आया, भगवान ने अपने कार्य से उसे स्वीकार किया है। सुरसा नाम की राक्षसी आई है, इसने श्री हनुमान जी को खाना चाहा, हनुमान जी ने इसके मुख में प्रवेश किया और महाराज पुनः निकल के आए। जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े हैं, यह सुरसा हनुमान जी की बल बुद्धि को देख करके प्रसन्न हुई। इसने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है और कहा कि आपने जो कार्य के लिए जाना है, राम जी की सेवा करनी है, माँ जानकी की खोज करनी है, आपका वह कार्य सफल हो। और जैसे ही आगे बढ़े हैं हनुमान जी, तो एकाएक उनकी गति रुकने लगी है और जैसे ही समुद्र की ओर देखा तो एक सिंहिका नाम की राक्षसी ने महाराज हनुमान जी की छाया को खींचा। हनुमान जी ने इसका भी उद्धार किया और अब मेरे प्रभु ने लंका में प्रवेश किया। जैसे ही लंका में प्रवेश किया तो सिंहिका नाम की एक राक्षसी है, इसने हनुमान जी को पहचान लिया और हनुमान जी को कहती है कि मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा अरे राक्षसी, तेरा बाप वह रावण कितने दिन से मैया जानकी को चुरा कर लेकर आया है और तूने उसे आश्रय दिया है और मैं जब राम के कार्य के लिए आया तो मुझे चोर कहती है। तो हनुमान जी ने ताही मारी मारुत सुत बीरा बार दी पार गयूं मति दीरा। उसके बाद में हनुमान जी ने सिंहिका का उद्धार करके सिंहिका से आगे बढ़े हैं और आगे बढ़कर उसको डांटते हुए हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की है कि महाराज मैं समझ गई कि अब रावण के वंश का विनाश होने वाला है। जब रावण को वरदान देकर के ब्रह्मा जी आए थे तब मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि रावण की मृत्यु कब होगी, तब उन्होंने बताया था कि कोई वानर आकर के जब मुष्टिका का प्रहार करेगा और जब तेरे मुख से रुधिर बहने लगे, रक्त की धार बहने लगे, तब समझ लेना कि महाराज अब रावण के वंश का विनाश होने वाला है। हनुमान जी चले, देखा है पूरे भवन में, पूरी लंका में घूमे, लेकिन महाराज कहीं भी इनको माँ जानकी का दर्शन नहीं हुआ। अंत में एक ऐसा नज़ारा, एक दृश्य देखा कि भवन एक पुनित दीक सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक ऐसा अद्भुत भवन देखा जो महाराज मंदिर से भिन्न है। द्वार पर राम जी के धनुष अंकित हैं, तुलसी का वृक्ष है, समझ गए कि जरूर यहाँ पर कोई भक्त रहता है। लेकिन महाराज लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। जैसे ही हनुमान जी तर्क करने लगे उसी समय
देही समय विभीषण जागा। राम राम कहते हुए विभीषण जी जागे हैं। हनुमान जी समझ गए कि जरूर कोई भगवान का भक्त है, इससे भेंट करनी चाहिए। हनुमान जी ने उससे भेंट करी, उससे पूछा विभीषण ने आप कौन हैं, तब बताया कि मैं राम जी का दूत हूँ। यहाँ विभीषण जी से परिचय पूछा, विभीषण जी ने कहा मैं रावण का भाई हूँ, लेकिन महाराज मैं इस भांति यहाँ रहता हूँ जिस भांति 32 दांतों के बीच ये जीवा रहती है, उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में रहता हूँ। लेकिन हनुमान जी अब मुझे विश्वास हो गया, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हनुमान जी ने कहा नहीं विभीषण, अभी राम जी की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हुई है, क्योंकि तुम राम जी का कार्य नहीं करते हो। बोले कितने दिन से रावण ने माँ जानकी को चुरा कर लाया, पर कभी तुमने सेवा नहीं की, कभी तुमने पूछा नहीं। हनुमान जी ने कहा भैया तुम मुझे माँ जानकी का दर्शन करा दो, मैं तुम्हें राम जी से मिला दूंगा। युक्ति बताई है विभीषण जी ने हनुमान जी को। हनुमान जी पहुँचे हैं, माँ का दर्शन किया, मुद्रिका डाली है, माँ जानकी ने उस मुद्रिका को उठाया। और फिर आप आगे की कथा को जानते हैं कि हनुमान जी ने राम कथा को सुनाया, कंदमूल फल खाए, राक्षसों का उद्धार किया। और महाराज जैसे ही रावण का बेटा इंद्रजीत हनुमान जी को नागपास में बांध कर लेके आया, और इधर रावण के दरबार में पहुंचा, रावण ने प्रश्न किए हैं हनुमान जी से, कहा कि तुमने मेरी बगिया को क्यों जड़ा। हनुमान जी ने कहा मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फलों को तोड़ा, तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा। हनुमान जी ने कहा जिन मोहि मारा तै मैं मारा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। और जैसे ही हनुमान जी ने रावण से निवेदन किया, प्रार्थना की कि मैया जानकी को राम जी के चरणों में वापस लौटा दो, तो रावण को बड़ा क्रोध आया और रावण ने कहा कि इस वानर को प्राण दंड दे दो, इसे मार दो। विभीषण जी ने कहा कि ये दूत है और दूत को महाराज मारना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे कोई और दंड दीजिए। इतना सुनकर रावण ने कहा कि बंदर की ममता अपनी पूंछ पर होती है, इसलिए महाराज इसके अंग को भंग कर दिया जाए। पूरे लंका से महाराज किसी के घर से तेल आया, किसी के घर से कपड़ा आया, किसी के घर से माचिस आई, और हनुमान जी की पूंछ में महाराज कपड़ा लपेटा गया और अब अग्नि लगा दी। और जैसे ही अग्नि लगाई है, इधर हनुमान जी ने अपने शरीर को विशालकाय किया है, और शरीर को विशालकाय करके महाराज आज हनुमान जी ने अट्टहास गर्जना की है, और अट्टहास गर्जना करने के बाद यहाँ हनुमान जी वायु के वेग से उड़े, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, 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 हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा वो तो अंजनी का प्यारा, राम दुलारा वो तो अंजनी का प्यारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम।
आकाशुरी मिलावे आकाशुरी मंदिरों में जाते मंदिरों में जाते राम जी से
बहुत राम जी से बहुत राम जी से लगाए लगाए रे मेरा राम राम जी से लगाए लगाए रे मेरा राम जी उड़े हैं महाराज 49 हवा के वेग ने कानों में हनुमान जी को आदेश दिया हो हनुमान जी ने उसी वेग से महाराज वायु चली है और हनुमान जी ने सोने की लंका को जला दिया। अब महाराज जिसके घर से जो जो आया था जिसके घर से कपड़ा आया जिसके घर से तेल आया तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद तो सबको देना पड़ेगा ना। एक विभीषण जी का घर ऐसा था जिसके घर से कुछ नहीं आया तो महाराज संत की क्रोध की आग में रावण की सोने की लंका भी जल गई और संत की कृपा की छांव में विभीषण की घास फूस की कुटिया भी सुरक्षित रही। ये संत की कृपा है। आके माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा माँ अति शीघ्र प्रभु आपको लेने के लिए आएंगे। राम जी के प्रताप का बल का स्मरण कराया। इधर राम जी की मुद्रिका तो माँ को मिल गई थी, इधर माँ ने भी हनुमान जी को चूड़ा मणि उतार कर दी है और बड़ा आशीर्वाद दिया अजर हो जा अमर हो जा। लेकिन हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं हुई जब कहा अजर हो जा अमर हो जा। फिर जैसे ही मैया ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो करहुं बहुत रघुनायक छोहु। राम जी की कृपा तुझे प्राप्त होती रहे, राम जी का प्रेम तुझे प्राप्त होता रहे। इतना सुनकर के तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया और महाराज नाचने लगे कूदने लगे प्रसन्न हो गए। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमारा छम छम नाचे देखो वीर हनुमारा छम छम नाचे देखो वीर हनुमारा छम छम नाचे देखो वीर हनुमारा। कहते हैं लोग हनुमाना राम राम सिया राम 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 सिया राम
प्रेम से बोलिए श्यावरी रामचंद्र भगवान की। तो आज की वाणी को यही भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, और कल की कथा में बड़ा ही सुंदर हम भगवान के आगे की लीलाओं को, राम राज्याभिषेक की कथा को श्रवण करेंगे। कल कथा का विराम दिवस है, तो कल का कथा का समय 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए सभी नौ बजे इस कथा मंडल में उपस्थित होंगे। सभी अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाइए। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, श्री राधे, श्री राधे, सीताराम, 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 राघवेंद्र सरकार की। सीताराम, 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 बोले हनुमान जी महाराज की जय, राम लला सरकार की जय, जय जय
श्री सीताराम। हरि हरि ओं चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो बजायत श्रोत्राद्वायश प्राणस्य मुखा जगृराजायत हिदगुंहवी प्रजननम मेयसुदश वीरगुं सर्वगणगुं ससै आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरे तो अस्मा सुधत्त आरती अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारी के आरती अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारी के आरती अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारी के सिंहासन सोए युगल सरकार परस पर हसी है रत हर बार पग पंकज हो निहार कहते रघुनाथ धन्य सेवकार पवन सुत गिरी बड़ी भारी की दया जनक दुलारी लाल कर जोर लखी मुख चंद लीतिया धन्य शोभा दुधारी की दया मई जनक दुलारी की आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे शरण राधे दबे अब दे बोलिए जे रघुराई की दया मई जनक दुलारी की कर्पूर
घोरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं निद्यालविन्दे भवं भवानी श्वेतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॐ जलेनी शीतलीकर्णं देवादिदेववन्दनमात्माभिवन्दनं वासुधारार्ते मंत्रपुष्पाजलिपटेयु अत अस्ती अक्षत पुष्पाणी गृहीत्वा सभी हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए पुष्पांजलि के लिए हरि ओम जन्नी न जन्नामया जन्त देवास्ताणि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाति हनाकं महिमानः सचन्द्र यद पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम गण अंबिकाये च विद्महे कर्म सिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदा वत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ओम दशरथनंदनाय विद्महे सीतावराय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदा वत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् सेवंती कापकुलचंपकपाटलाब्जे पुण्यः गजागकरवीलरसालपुष्पे बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी तम पूजयामि जगदीश्वर मैं प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सावनाय श्रीरामचरितमानस शरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः यानि कानि जपापानि जन्मांतरगतानि च तानि शर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षणाया पदे पदे भुली गजानंद गणपति भगवान की जय भुली शंकर पार्वती भगवान की भुली हनुमान जी महाराज की भुली वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम लीलो लीलो विदाई हनुमान विसरे जन राम कथा लीलो लीलो विदाई हनुमान विसरे जन राम कथा लीलो लीलो विदाई हनुमान विसरे जन राम कथा श्री राधे